अस्सलामुअलैकुम। आज मैं चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ। ये बोनलेस की चिकन कढ़ाई है। सबसे पहले मैं इसमें चिकन डालूंगी। चिकन मेरा तकरीबन 1 किलो है। फ्लेम को मैं ऑन करूंगी और इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी। ऑयल तकरीबन मैं 1 कप के करीब डालूंगी। थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी। चिकन को मैं ऑयल में होने दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें 5 अदद हरी मिर्चें डाल दूंगी। दो टेबलस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दूंगी। अदरक को मैं थोड़ा सा भूनूंगी ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। चिकन की स्मेल तो वैसे विनेगर और नमक लगाने से भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन थोड़ा इससे भी। अब इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। 3 अदर बड़े टमाटर लेकर उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसालों में मैंने सूखा धनिया 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। मसाले आप अपनी मर्जी से तेज़ और कम भी कर सकते हैं। मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। पानी इसका खुशक हो चुका है। अब मैं इसको भूनने लगी। देखें ऑयल हल्का हल्का से निकल आया है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। मैं इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालूंगी। ब्लैक पेपर तब डालना चाहिए जब थोड़ा सा इसका मसाला ऑयल छोड़ दे, वरना आपकी कढ़ाई काली हो जाती है, यानी कि ये जो चिकन होता है ये ब्लैक मसाला बन जाता है। मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी और इसको पकने दूंगी। 1/2 टीस्पून इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी। ये भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, अभी मैंने इसको ताज़ा तैयार किया है। 1/2 लेमन डालूंगी। लेमन जो चिकन थोड़ा सा भी सख्त होता है, क्योंकि बोनलेस अक्सर सख्त रह जाता है तो उसको सॉफ्ट कर देता है। ऑयल अच्छे से निकल आया है। ऑयल मैंने इसमें और नहीं डाला। अब 2 टेबलस्पून इसमें मैं दही डालूंगी। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दही डाला है और अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि कढ़ाई हमारी बस रेडी होने को है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती, जल्दी तैयार हो जाती है। बड़े अच्छे से भून चुकी है। देखते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी रंगत आ रही है। अब इसमें मैं 5-6 ग्रीन चिली और साथ में अदरक कटा हुआ डालूंगी। जब तैयार हो चुकी है, देखिए माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तैयार हुई है। जायका भी बहुत अच्छा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।